Hello friends. Welcome to Talent Crafts. हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा DTMF का ट्रेनर किट जो कि मैंने एक कॉलेज के लिए बनाया हुआ है। वहाँ पे कॉलेज के प्रोफेसर्स को दूंगा जिससे कॉलेज के प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स को इस DTMF ट्रेनर बोर्ड पर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे पाएं। सो फ्रेंड्स, ये DTMF का मतलब होता है ड्यूअल टोन मल्टीपल फ्रिक्वेंसी। और इसको मैं थोड़ा और डीपली बताऊँ तो यहाँ पे आप जैसे कि मैं देख सकते हो कि यहाँ पे एक हाई ग्रुप फ्रिक्वेंसी है और दूसरा लो ग्रुप फ्रिक्वेंसी है। मीन्स जैसा कि हमारा फोन होता है, यहाँ पे ये है रो और ये है अपने कॉलम्स, वैसे यहाँ पे ये सारे रो हैं और ये कॉलम्स। अब जो हमारा मोबाइल फोन है उसमें ABCD नहीं होती है, बट जो हमारा पहले बॉक्स फोन होता था जिसमें हम बटन प्रेस करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे लैंडलाइन फोन, उसमें ये ABCD के ऑप्शंस होते थे। सो इसका परफॉर्मेंस ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा, सो हाई ग्रुप में से 1336 हर्ट्ज और लो ग्रुप में से 697 हर्ट्ज मैच होगी, ये दो फ्रिक्वेंसी मैच होगी और 2 पास होगी। वैसे यहाँ पे अगर मैं 9 प्रेस करूँ तो 1477 और 852 हर्ट्ज, ये दोनों मैच होगी। अब ये मैच होने पे होगा क्या, यहाँ पे है बटन्स और यहाँ पे लो DTMF फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे हाई DTMF फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे बाइनरी कोड। मीन्स इसके अंदर जो IC लगी हुई है वो फोन से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी उसको एक टोन में कन्वर्ट करेगी और वो टोन से हमें वो IC बाइनरी आउटपुट देगी। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो DTMF टोन, तो DTMF टोन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज ये मेरा फोन है तो आप यहाँ पे ये बटन प्रेस करने पे आप नॉर्मल सा कोई भी एक टोन ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि तो आपने देखा कि हर बटन का अलग टोन है। सो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे DTMF टोन जो ऑडियो सिग्नल जनरेट करेगी, ये ऑडियो सिग्नल जो इस फोन से जनरेट होगा मैं उसको यहां पे 3.5 mm जैक से रिसीव करूंगा। मीन्स यहां पे जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ से वो टोन जनरेट होगी और यहाँ से जो टोन जनरेट होगी उसको मैंने इस बोर्ड के पीछे जो ICs लगी हुई है उसमें दिया है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सेंड करेगा और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल DTMF डिकोडर IC को जाएगी और डिकोडर IC क्या करेगी, उसको बाइनरी सिक्वेंस में चेंज कर देगी। अब यहाँ पे बाइनरी सिक्वेंस किस तरीके का होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा यहाँ पे बाइनरी सिक्वेंस, सो ये बटन है, अगर मैं बटन 1 प्रेस करूंगा तो ये लो हर्ट्स और ये हाई हर्ट्स दो फ्रिक्वेंसी मैच होगी और यहाँ पे D3 ऑन होगा, मीन्स D0, D1, D2, D3, D3 ऑन होगी। अगर मैं 2 प्रेस करूंगा तो D2 ऑन होगा, अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो 1 और 2 ये दो मैच होकर दो LED ऑन होगी, अगर मैं 4 प्रेस करूंगा तो ये D1 ऑन होगा, अगर मैं 5 प्रेस करूंगा तो ये 4 एंड 1 5 ये दो LED ऑन होगी। अब ये दो LED कैसे ऑन होती है, इसका रीजन ये है कि D3 का पावर 1 है, D2 का पावर 2 है, D1 का पावर 4 है और D0 का पावर 8 है। मीन्स 1, 2, 4, 8 मीन्स अगर मैं 8 प्रेस करूंगा तो 8 में D1 का वाला यही एक ही LED ऑन होगा, अगर मैं 9 प्रेस करूं तो 8 + 1 = 9 मीन्स 8 और 1 ये LED ऑन होगी। तो इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस रन होता है। अब यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, सो यहाँ पे D0, D1, D2, D3 तो जैसे मैं 1 प्रेस करूंगा D0 ऑन होगा, 2 प्रेस करूंगा तो ये, 3 प्रेस करूंगा तो ये दोनों, 4 प्रेस करूंगा तो ये, 5 पर ये, 6 पर ये दोनों, 7th पे ये तीनों, 8 पे ये अकेला, 9 पर ये, उसके बाद स्टार हैश और 0 भी वर्क होते हैं। अब यहाँ पे एक बटन है जो कि मैंने ऑन ऑफ के लिए लिया हुआ है और यहाँ पे इंडिकेटर कि जैसे इस ये मैं ट्रेनर बोर्ड पे मैं सप्लाई दू तो लाइट ऑन हो जाए। सो अब इसके पीछे क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे मैंने एक
रेक्टिफायर का बोर्ड बनाया हुआ है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डीटीएमएफ की सर्किट बनाई हुई है। ये हमारा ट्रांसफार्मर, ये हमारा रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, फिल्टर, और यहाँ से 5 वोल्ट हमें मिलेगा। उसके बाद ये 5 वोल्ट इस डिकोडर आईसी में जाएगी। यहाँ पे डिकोडर आईसी का नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ, CM8870। और यहाँ पे जो क्रिस्टल लगी हुई है वो क्रिस्टल 3.579545 की है। और यहाँ पे सब LEDs लगी हुई है। और ये हमारा स्विच है और ये हमारा मेन इंडिकेटर। ओके, सो ये हमारा बोर्ड है जो मैंने आपको पीछे से दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हमारे 2 वायर निकलते हैं। ये जो फर्स्ट वायर है ये अपना 3.5 mm जैक वायर, और दूसरा हमारा मेन AC सप्लाई। सो इसको पहले मैं मेन AC सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये 3.5 mm जैक को इस मोबाइल में अटैच करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया और अभी मैं इसे कॉल करूँगा। अब इसको मैं जैसे ही ऑन करूँगा उसके बाद मुझे 1 प्रेस करना है। तो देखिए ये फर्स्ट LED ऑन हो गई। 2 प्रेस करूंगा तो सेकंड, 3 प्रेस करूंगा तो ये दोनों LED ऑन हो गई। 4, ये 5 मीन्स 4 और 1 5, 6 मीन्स 4 और 2 6 मीन्स इसका जो बेस है वो है 1 2 4 8, फिर 7, 7 पे 7, 8 पे 8 पर 8, 9 10 सॉरी स्टार 0 हैस देन अगेन 1 2 3 4 5। सो फ्रेंड्स, आप इस डिवाइस से ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। फोन आप काट दो। ये हम इसको हमें पीछे से पैक कर लेना है। और ये हमारा DTMF का ट्रेनर बोर्ड रेडी है।